गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल, इट्स मी शालिनी। सो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फेशियल ऑयल्स। आई हैव माई बेस्टेस्ट ऑफ बेस्टेस्ट 5 फेशियल ऑयल्स विद मी अंडर अ बजट। सो आई हैव ऑल दीज 5 फेशियल ऑयल्स विद मी एंड आई लव ऑल ऑफ द फेशियल ऑयल्स। सारे डिफरेंट डिफरेंट स्किन टाइप से रिलेटेड हैं और सारे ही मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं। इनको मैं चेंज करके यूज़ करना पसंद करती हूँ एंड या आई लाइक ऑल ऑफ देम। सो मैं कोई एक पिक नहीं कर पाऊँगी कि मुझे ये बेस्टेस्ट लगता है, बट या इसमें से एक फेशियल ऑयल ऐसा है जिसको मैं काफ़ी वक्त से यूज़ कर रही हूँ, आई थिंक 2 to 3 years से, एंड आई लव दिस फेशियल ऑयल सो मच। सो या उसी से स्टार्ट करते हैं जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, जिसको मैं काफ़ी वक्त से यूज़ कर रही हूँ। सो आई एम टॉकिंग अबाउट प्लम का फेशियल ऑयल एंड दिस इज ग्रेप सीड एंड सी बक्थन ऑयल एंड आई लव इट सो मच। और इसके अंदर काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑयल्स का मिक्सचर है एंड इट रेस्टोर्स योर फेशियल ग्लो। सो या आई जस्ट लव दिस ऑयल सो मच। पता नहीं मैं वीडियो में कितनी बार बोलूँगी, सो जस्ट बेयर विद मी। ये एकदम ही लाइट वेट सा ऑयल है, इसको सारे स्किन टाइप पीपल यूज़ कर सकते हैं, इनफैक्ट ऑयली वाले भी। बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट टेक्स्चर है एंड बिल्कुल भी स्टिकी और ऑयली सा फील नहीं होता इस फेशियल ऑयल को लगाने के बाद। जस्ट अ टाइनी बिट आपको अमाउंट चाहिए ऑल ओवर योर फेस और इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है यू गाइस। अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई है तो भी वर्क करता है एंड ऑयली साइड पे है तो भी ये वर्क करता है। बिल्कुल भी ऐसे ग्रीसी सा एंड बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं दिखाता है, ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है एंड एकदम जितना इसको कवरेज लाइक जितना इसको मॉइस्चर हाइड्रेशन देना चाहिए ऑन योर स्किन उतना ही प्रोवाइड करता है ये। सो या आई जस्ट लव इट सो मच। मतलब दिस इज़ लाइक अमेजिंग फेशियल ऑयल इन अ बजट, लाइक अफोर्डेबल प्राइस में 600 या 700 का आता है एंड काफ़ी बेहतरीन ऑयल है। सो अगर आप बिगनर हैं फेशियल ऑयल्स में सो इन्वेस्ट इन दिस। मैंने भी जब फेशियल ऑयल यूज़ करना स्टार्ट किया था सो दिस वॉज माई फर्स्ट फेशियल ऑयल जिससे मैंने मतलब फेशियल ऑयल यूज़ करना स्टार्ट किया था। सो या यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक दिस वन आउट, काफ़ी ज़्यादा अच्छा और बेहतरीन ऑयल है। सेकेंड वन आई हैव अगेन फ्रॉम द ब्रांड पिलग्रिम। ये पिलग्रिम के न्यू लॉन्चेस हैं जो अभी मैंने कुछ टाइम पहले ट्राई आउट किए हैं। दिस वन इज क्वालिन एंड वाइटामिन ई फेशियल ऑयल। अगेन आई लाइक इट सो मच क्योंकि दिस इज स्पेसिफिकली फॉर डीपली मॉइस्चर। दिस इज परफेक्ट फॉर जिनकी एक्सट्रीम लेवल पे ड्राई स्किन है, वो इसको डेफिनेटली ट्राई आउट कर सकते हैं। अगेन इसका टेक्सचर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा, एकदम ड्रिपी सा पतला है एंड काफ़ी लाइट वेट है यू गाइस। ये वाला ऑयल भी एकदम क्लियर मिल जाता है आपको। जो सी बकथॉर्न वाला था वो थोड़ा येलोइश कलर में है, दिस इज़ ऑल इन ऑल वाइट कलर का है एज यू कैन सी, और बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही ईजीली एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में एंड बिल्कुल भी स्टिकी फील नहीं होता है ये भी। सो ये वाली चीज़ मुझे ऑयल्स की पसंद है और इन ऑयल से आप अच्छे से मसाज भी कर सकते हैं ऑन योर फेस एंड इट विल रियली हाइड्रेट एंड नरिशेज योर स्किन अच्छे से। सो या यू विल सी विजिबल डिफरेंस। एक आप मॉइस्चराइजर यूज़ करेंगे, एक आप फेशियल ऑयल यूज़ करेंगे, दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। ऑफकोर्स आप अच्छा मॉइस्चराइजर यूज़ करेंगे तो लाइक बहुत अच्छा थिक मॉइस्चराइजर यूज़ करेंगे फॉर योर ड्राई स्किन तो आपको ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट आप मीडियम टाइप का मॉइस्चराइजर यूज़ करें तो उसके बाद फेशियल ऑयल की आपको ज़रूरत पड़ेगी। और फेशियल ऑयल इसके भी बेस्टेस्ट रहते हैं कि वो मसाज ईजिली हो जाती है आपके फेस पे एंड प्रॉपर सारा स्किन केयर रूटीन करने के बाद एंड स्टेप होता है फेशियल ऑयल लगाने का, जिससे आपका सारा मॉइस्चर लॉक कर लेता है फेशियल ऑयल। सो या ये स्टेप ज़रूर करिएगा आप। और मेजरली जो है मैं फेशियल ऑयल्स विंटर्स में ही यूज़ करना पसंद करती हूँ, या फिर जब कभी मेरी स्किन एक्सट्रीम ड्राई फील हो रही होती है या फिर मुझे कुछ हैवी मेकअप करना होता है तो उसके अंडरनीथ मैं फेशियल ऑयल लगाना पसंद करती हूँ, अच्छे से प्रॉपरली हाइड्रेशन प्रोवाइड करने के लिए ऑन माई फेस, सो दैट मेकअप भी काफ़ी अच्छे से सेट होता है एंड ईजिली ग्लाइड होता है फेस पर, मतलब काफ़ी अच्छा ग्लो भी देता है। सो दिस इज़ माई सेकेंड रिकमेंडेशन विच आई लाइक इट सो मच। थर्ड वन अगैन फ्रॉम द ब्रांड प्लम एंड दिस इज़ रोज हिप फेशियल ऑयल। सो दिस इज़ बेस्टेस्ट फॉर कोलाजिन बूस्ट। सो आप इस टाइप का कुछ देख रहे हैं फॉर द कोलाजिन बूस्ट, या फिर जो आपकी ओवरऑल स्किन की जो हेल्थ है वो अच्छी रहे, हेल्दी रहे आपकी स्किन, सो यू शुड इन्वेस्ट इन दिस
रोजहिप फेशियल ऑयल. रोजहिप इज लाइक अमेजिंग इंग्रेडिएंट फॉर योर स्किन. तो इसका आप कोई भी ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, मॉइस्चराइजर भी, बट आई इन्वेस्टेड इन दिस ऑयल और मुझे काफ़ी पसंद आया ये भी. सो इस टाइप की ये बॉटल है. अगेन ड्रॉपर फॉर्म परफेक्ट रहता है फॉर फेशियल ऑयल्स. हमेशा ट्राई कीजिए क्या फेशियल ऑयल को डायरेक्ट ड्रॉपर फॉर्म से ही इस तरीके से लगाएं एंड धीरे उसको मसाज करते हुए अपनी स्किन में एब्जॉर्ब करवाएं. एंड या ये भी काफ़ी अच्छा है. अगेन ट्रांसपेरेंट आता है ये वाला भी, इसका कलर, और ये भी लाइट वेट है, ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है एंड नॉन स्टिकी है. सो तीनों के तीनों मुझे काफ़ी पसंद आया. मैंने प्लम के ही इसलिए पिक किए क्योंकि ऑलरेडी मैं प्लम का सी बकथॉर्न ऑयल यूज़ कर रही थी और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी था वो, और उसने काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी दिखाया था मेरे फेस. तो जब ये न्यू लॉन्चेज हुए सो आई थॉट कि वाई नॉट इन्वेस्ट इन दीज ओनली. नया ब्रांड ट्राई आउट करने से बेस्ट है कि इसमें ही इन्वेस्ट किया जाए एंड आई लव इट सो मच. सो या आप इसको भी ट्राई आउट कर सकते हैं. और भी काफ़ी सारे वेरियंट्स हैं वाइटामिन सी और काफ़ी सारे, बट अभी के लिए मुझे यही वाले ट्राई आउट करने थे एंड आई लव इट सो मच. काफ़ी अच्छे लगे. मॉइस्चर हाइड्रेशन प्रोवाइड करने के साथ साथ मेरी स्किन की हेल्थ भी काफ़ी अच्छी हो गई है. सो या मतलब अगर आपकी एक्सट्रीम ड्राई स्किन है तो यू शुड इन्वेस्ट इन अ गुड फेशियल ऑयल. या फिर अगर आपका कोई पर्टिकुलर स्किन कंसर्न है तो आप इस टाइप से भी रोजहिप वाला पिक कर सकते हैं या फिर वाइटामिन ई वाला पिक कर सकते हैं, स्कोलिन वाला, वाइटामिन सी वाला, अकॉर्डिंग टू योर स्किन कंसर्न्स. मूविंग ऑन टू द फोर्थ वन, आई हैव दिस फ्रॉम द ब्रांड पिलग्रिम. अगेन इसमें भी स्कोलिन मिल जाएगा एंड दिस इज एज डिफेंस फेशियल ऑयल. सो ये भी मुझे काफ़ी पसंद है. इसके बारे में मैं अलग से रिव्यू दे चुकी हूँ ऑन माय चैनल, तो आप वो वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हैं. इसके बारे में मैं डीपली बात नहीं करने वाली हूँ. सो अगेन ये भी काफ़ी प्यारा है. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द फेशियल ऑयल्स फॉर पर्टिकुलरली फॉर योर एज डिफेंस, लाइक रिंकल्स वगैरह उतने ज़्यादा नहीं दिखें, तो यू शुड इन्वेस्ट इन दिस वन. अगेन ये भी काफ़ी लाइट वेट है, बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है आपकी पूरी स्किन को. नॉन स्टिकी फॉर्मूला है इसका एंड या वेरी नाइस अमेजिंग वन. सो मुझे इसी टाइप की फेशियल ऑयल्स यूज़ करना पसंद है जो एकदम हैवी फील ना हो, ऐसा कुछ भी ना लगे कि अपने फेस पे पता नहीं क्या लगा रखा है, और इजीली एब्जॉर्ब हो जाए, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े उनको रगड़ने में ऑन योर फेस. सो या धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में लगाइए, बहुत ज़्यादा रगड़ के मत लगाइए वरना रेडनेस वगैरह लाइन्स वगैरह आ जाती हैं आपके फेस पे. लास्ट वन आई हैव दिस कुमकुम आदि का. कुमकुम आदि के फेशियल ऑयल्स आई लाइक इट सो मच. आप कोई भी ब्रांड के पिक कर सकते हैं बट मेक श्योर कि आप कोई अच्छा ब्रांड ही पिक कीजिए. मुझे भी कुमकुम आदि के डिफरेंट ब्रांड्स के फेशियल ऑयल्स ट्राई आउट करने हैं. माइट बी दिस ईयर में वो ट्राई आउट करूँ इनको फिनिश अप करने के बाद. सो मेरे पास जो है वो है फ्रॉम द ब्रांड वासु एंड दिस इज एज रिवाइटलाइजिंग कुमकुम आदि ऑयल. अगेन दिस इज द बेस्टेस्ट वन. मैंने इसके बारे में बात की है अपने वीडियो में, और एक वीडियो में मैंने पर्टिकुलरली इसके बारे में बात की थी कि इसको मैंने 10 प्रोडक्ट्स में इंक्लूड किया था विच चेंज्ड माय स्किन गेम. सो यस, इट्स चेंज्ड माय स्किन गेम. सो या अगर आप अपने लेट 20s में हैं या फिर अर्ली 30s में हैं, सो कुमकुम आदि फेशियल ऑयल यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए. यू विल सी अ विजिबल डिफरेंस. हाइड्रेशन मॉइस्चर के साथ साथ आपको काफ़ी हेल्दी एंड ग्लोइंग स्किन प्रोवाइड करता है ये फेशियल ऑयल, क्योंकि इसके अंदर है कुमकुम आदि विच इज़ लाइक द ग्रेट इंग्रेडिएंट फॉर योर स्किन. सो या यू शुड डेफिनेटली ट्राई आउट. अगर आपको खाली फेशियल ऑयल लगाना पसंद नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी तो बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, आपको ग्रीसी फील होगा, तो आप लिटिल बिट ऑफ अपना मॉइस्चराइजर लीजिए और उसके अंदर 1 to 2 drops डालिए एंड यू आर लाइक सॉर्टेड, और फिर वो आपको उतना ज़्यादा ग्रीसी नहीं लगेगा. हालांकि जितने भी मैंने आपको फेशियल ऑयल दिखाए हैं, इनफैक्ट ये कुमकुम आदि वाला भी, ये कोई भी बहुत ज़्यादा ग्रीसी स्टिकी से नहीं है, बहुत ज़्यादा हैवी फील भी नहीं होते हैं, सारे एकदम लाइट वेट है. क्योंकि मुझे खुद को भी फेस पे बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ लगाना पसंद नहीं है जो बहुत हैवी लगे फेस पे. सो या वो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड सा लगता है, ऐसे लगता है अपने फेस पे क्या लगा लिया हो. या तो अपने स्किन केयर रूटीन कम स्टेप्स में रखिए. अगर आप ज़्यादा स्टेप्स में रख रहे हैं तो आप अपने स्किन केयर में ऐसे प्रोडक्ट्स इंक्लूड कीजिए जो कि काफ़ी लाइट वेट हैं, जो लगाने के बाद आपको हैवीनेस फील ना हो. तो या दैट्स ऑल अबाउट माय फेशियल ऑयल्स. ये मेरे कुछ रिकमेंडेशंस थे, लाइक माय बेस्टेस्ट ऑफ बेस्टेस्ट 5 रिकमेंडेशन विच आई रियली वॉन्टेड टू शेयर इट विद यू गाइज. एंड या आप कौन सा फेशियल ऑयल यूज़ करना पसंद करते हैं? लाइक विंटर्स में हमेशा मेरा एकदम डिफरेंट स्किन केयर रूटीन हो जाता है, या फिर जब कभी ड्राई स्किन होती है तो भी मैं फेशियल ऑयल यूज़ करना पसंद करती हूँ, एंड अंडरनीथ मेकअप तो हमेशा यूज़ करना पसंद करती हूँ.
सो या आप कौन सा यूज करना पसंद करते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. सो दिस वाज अबाउट माय दिस वीडियो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बी क्रिएटिव एंड बी स्टाइलिश. बाय.